नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम घर से जस्ट अभी निकले हैं। दिन के बज रहे हैं 12:30 दोपहर के, और हमारी पहली राइड आ चुकी है। लॉगिन तो हम सुबह से थे, लेकिन काम हमारे पास आया नहीं था, अभी आया है। तो हम पिकअप की तरफ जा रहे हैं। पिकअप हमारा सिंहपुर से रुद्रा ग्रीन सिटी से पिकअप है, टावर नंबर 1 से। उसके बाद उनको लेकर के हमें जाना है रेजेंसी हॉस्पिटल रावतपुर, टावर 1 में। कस्टमर से बात हो चुकी है, कस्टमर हमारे साथ पहले भी जा चुके हैं, हमारा उनके पास नंबर भी है, नाम भी है, और प्राइवेट भी हमें बुलाते हैं। तो बोले थे भैया आपकी गाड़ी बुक हुई, हमने कहा हाँ, अभी हम आते हैं 5 मिनट में। कपड़े वगैरह पहन के घर से निकल लिए हैं और चलते हैं पिकअप करने। पिकअप करके फिर जाते हैं, उनको ड्रॉप करेंगे, देखेंगे गाड़ी कितना चलेगी और फेयर क्या बनेगा, उसमें से ऑपरेटर कंपनी हमें कितना देती है। तो अभी हम आपको जस्ट अभी हम आपको बताएंगे। कल तो हम प्राइवेट बुकिंग लेके गए हुए थे मैनपुरी, बिटिया का पेपर था, तो वही पेपर दिलाने गए थे। देखो हमारा एक सब्सक्राइबर था, वहीं से चला रहा था, मिल गया। हालांकि रुके नहीं वहां पे। चलिए भाई, देर ना करते हुए चलते हैं, पहले कस्टमर को पिक करते हैं और देखते हैं उसमें हमें कितना क्या मिलता है, नकद में या ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्या है क्या नहीं है, सारी डिटेल आपको थोड़ी देर बाद देते हैं। ठीक मेरे प्यारे भाइयों, अब मिलते हैं कुछ देर के बाद। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, पहले ट्रिप हमने भाइयों पूरी कर ली है और उसका फेयर बहुत ही अच्छा आया हुआ है। मात्र गाड़ी थी 9.8 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर भी नहीं था, वो 496 रुपये बिल बना हुआ था, उसमें से ऑपरेटर हमारा 370 रुपये। मजा आ गया, शायद ये सर्च वाली बुकिंग होगी, लेकिन हमारे मोबाइल में तो सर्च नहीं दिखा रहा था। कस्टमर जब बुक करता है तो कस्टमर को तो दिखता है कि कितना फेयर हमारा ले रहा है, बना रहा है, एस्टिमेटेड फेयर तो दिखता है। यहाँ पे जब बिल बना तो बोला भैया आज बहुत ज़्यादा आया, हमने कहा सर जब आपने बुक किया होगा तो सर्च लगा होगा, आपको तो शो कर रहा होगा। बोले हाँ, आज कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा था। तो हमने कहा हाँ सर जी, हम लोगों के हाथ में नहीं होता है बिल को बढ़ाना है घटाना, हम लोग काम तो गाड़ी चलाना और कस्टमर को ड्रॉप लोकेशन छोड़ना होता है, बकाया सारा काम तो ऐप करता है, वो अपने स्तर से बनाता है बिल। और आपको तो फेयर शो भी कर रहा होगा पहले ही, आपको थोड़ा सा रुक के बुक करना चाहिए था, लेकिन चलो रुक के बुक करता तो हमारा तो घाटा हो जाता। चलो ऐसे ही 4-6 बुकिंग मिल जाए भाई तो हमारा तो सारा दिन का निकल आएगा, क्योंकि आज वैसे भी हम लेट निकले हैं। अब देखते हैं इतना लेट निकलने के बाद सारा दिन में कितनी राइडें करते हैं। ये एक राइड ही हमारी 3-4 राइडों के बराबर है। चलिए अब वेट करते हैं दूसरी बुकिंग का, अभी तक तो कोई बुकिंग आई नहीं, 2 मिनट हो गए कस्टमर को छोड़े हुए। अब यहीं पर करेंगे कस्टमर का वेट दूसरी बुकिंग आने का, जब दूसरी बुकिंग आ जाएगी फिर यहाँ से हम गाड़ी आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो यहीं छाया मिल गई है, पेड़ की छाँव में आराम से लगाएंगे। हमने सोचा था नवरात्र के बाद में एसी नहीं चलाना पड़ेगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, कानपुर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही, धूप बहुत तेज़ी निकली हुई है, आप देख सकते हो धूप ही धूप है, जो कि बहुत मौसम बहुत गर्म है और एसी चलानी पड़ रही है। कस्टमर ही बोल देता है, और नहीं बोलता तो हम लोगों को भी गर्मी लगती है। इंटीरियर खोल के चलाएंगे, शीशे खोल के चलाएंगे तो इंटीरियर हमारा गंदा होगा, तो हम लोग खुद ही एसी चलानी पड़ती है। चलिए दूसरी बुकिंग करते हैं वेट, मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हाँ भाई, दूसरी राइड हमने पूरी कर ली है, जो कि 5 किलोमीटर की थी, रेजेंसी हॉस्पिटल से पिकअप था और शास्त्री चौकीन को छोड़ना था, जो कि दूरी थी 5 किलोमीटर और समय लगा 20 मिनट। फेयर इनका टोटल बना था 131 रुपया,
उसमें हमको दिया है कंपनी ने ऑपरेटर में 94 रुपए। इससे पहले जो बुकिंग की थी वो हमने पूरी कर ली थी 1 बजे, और ये बुकिंग 1 घंटे बाद हमको मिली है दूसरी बुकिंग। इतनी देर देर से पिकअप मिलेगा, बुकिंग इतनी देर में आएगी, तो हम लोग सारा दिन में बहुत ज़्यादा 1000 रुपए का काम कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमने काम किया है मान के चलो जो है 330 उधर मिला था और 80-90 रुपए इधर, तो 400, 425, 450 का मान लो काम होने वाला है 425 रुपए का। अगर जो रात तक चलाएंगे 8-9 बजे तक, तो हमारा 1000 रुपए तक ऑपरेटर हो पाएगा। इस तरह तो काम नहीं चलेगा भाई, यह तो बुकिंग अच्छी खासी है तब तो हमारी इनकम हो, फेयर अच्छा बने। अब बुकिंग 1-1 घंटे 2-2 घंटे बाद आएंगी तो कैसे हम लोगों का काम चलेगा। बड़ी उम्मीदें थी कि त्योहार आ रहा है, काम हम लोगों का अच्छा चलेगा, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं मालूम हो रहा है। वो तो अच्छा हुआ जो पहली राइड हमारी अच्छा उसमें फेयर बन गया, अगर फेयर अच्छा ना बनता तो 200 रुपये उसमें मिलने थे, लेकिन मिले 370 हैं, 170 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब डबल हमको मिला है एक तरीके देखा जाए, क्योंकि इसमें सर्च लगा होगा, डिमांड ज़्यादा हो जाने के कारण सर्च लग जाता है तो फेयर अच्छा आता है। और दूसरी ये हमने 90-95 रुपये की है। अब तीसरी देखते हैं कितनी देर बाद आती है, करते हैं वेट तीसरी बुकिंग का, और बुकिंग आने के बाद राइड पूरी करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि हमारी गाड़ी कितना चली, कितना फेयर बना और कितना समय लगा। अभी दोनों बुकिंग हमारी नगद की हुई हैं, तो ठीक है, करते हैं इंतज़ार और मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। बज गए हैं शाम के 5 और तीसरी ट्रिप हमने भाइयों स्टार्ट कर ली है। ये खड़ी हमारी गाड़ी और हम खड़े हैं रेवथ्री के पास में। जो तीसरी ट्रिप थी वो हम लेके आए थे रतनलाल नगर से, वहाँ से यहाँ की दूरी 9.5 किलोमीटर थी और फेयर बना था 171 रुपये, उसमें से 140 रुपये हमें कंपनी ने दिए हैं, बकाया ले लिया अपना कमीशन। तो आज तो भाई बहुत गड़बड़ है काम की पोजीशन, तो आज तो चलाने का मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि काम ही नहीं है। जब काम होता है तो काम करने में भी मज़ा आता है, और जब काम नहीं होता है तो मन भी नहीं लगता, यही लगता भाई इससे तो अच्छा घर भाग चलो, क्योंकि अभी तक जो है सिर्फ 3 राइडें की हैं सुबह से, और 2-2 घंटे 1-1 घंटे बाद राइड आ रही है। गाड़ी भी आज हमने लेट निकाली थी, लेकिन काम 600 रुपये का हो गया है, 600 रुपये में मान के चलो, 600 रुपये में हमारी 200 की CNG 400 रुपये बचत हो जाएगी। कुल मिला के एक लेबर की एक दिहाड़ी निकल आई है, जो कि हमारी ओला ने लगाई है कि एक दिन में आपकी 400 रुपये दिहाड़ी बनती है, वो 400 रुपये का काम आपको दे दिया गया है, तो यही आप बचा के ले जाइए और अपना घर परिवार चलाइए। तो वैसे हमने ओला में तो गोटू लगा लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो डिस्टिनेशन ड्रॉप लोकेशन दिखता नहीं है, और ऊबर में तो ड्रॉप लोकेशन दिखता है, तो ऊबर की बुकिंग आएगी तो हमारे घर की तरफ की आएगी, तभी हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो उसको हम पास कर देंगे। तो करते हैं थोड़ी देर इंतज़ार, नहीं तो 5 बज गया है, और अब यहाँ से कहीं दूसरी जगह हमको उठा के डाल देगा जाके, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो इससे तो बेटर यही रहेगा कि हम घर की तरफ अपना निकल जाएं, क्योंकि हमारी फालतू की CNG भी नहीं लगेगी और हमारा समय भी बचेगा, क्योंकि कल हमें मैनपुरी से आने में काफ़ी रात हो गई थी, थके हुए से भी हैं, दोपहर में सो रहे थे, गाड़ी लेट स्टार्ट की, शायद इसी वजह से काम नहीं हो पाया, लेकिन हमारे यार दोस्त बता रहे हैं भाई आज काम है ही नहीं, तो हम चलते हैं घर की तरफ। A few moments later. शाम को बज रहे हैं 5:30 और सूर्य भगवान अपने डूबने वाले हैं, हम इस समय गंगा बराज पे, और हम तो चले घर की तरफ, क्योंकि आज काम करने का मन है नहीं, और मन इस वजह से नहीं है क्योंकि काम नहीं आ रहा है। काम अभी देखो जस्ट आया, जब घर की तरफ जा रहे हैं तो उबर ने एक ट्रेन बजाई है, वो भी उस एरिया की है मूलगंज की,
जहाँ पे बहुत सारा जाम लगा रहता है, तो देगा 100-150 रुपए, उतने का हमारा सीएनजी जला देगा कहीं जाम में फंस गए, क्योंकि जाम में जो हम लोग फंसते हैं तो उसका फेयर ये लोग नहीं बढ़ाते हैं। तभी हम लोग जो है अवॉइड करते हैं कि वहाँ की बुकिंग हम ले ही ना जाएं। जाम वाला एरिया जैसे है, घंटाघर है, माल रोड है, मूलगंज है, टाटमिल है, जकरगटी है, इस साइड में हम तो भाई नहीं जाते, लेकिन कुछ ड्राइवर लोग अपना जो चलाते होंगे। हमारे ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस साइड नहीं जाना चाहते हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ जगह जगह मैगी पॉइंट बने हुए हैं और हम घर की तरफ निकल लिए हैं। बस 5 मिनट की दूरी पे है हमारा घर यहाँ गंगा बैराज से, और 5 मिनट हम घर पहुँच जाएंगे, गाड़ी खड़ी कर देंगे। अब कल सुबह से देखेंगे जो है काम, कल सुबह से चलाएंगे। अब आज तो चलाएंगे नहीं, क्योंकि आज का सारा दिन हमारा खराब हो गया है। मात्र 600 रुपये का काम हुआ है, और सीएनजी वगैरह अगर 100 रुपये की निकाल लें तो मात्र जो है हमको 400 रुपये बचेंगे। 4 पहिया लेके गाड़ी, सारा दिन में 400 रुपये कमाना, उससे तो अच्छा कहीं दूसरे किसी की 4 कार चला लिए होते या कहीं लेबर गिरी कर लिए होते भाई, तो दिहाड़ी ही हमारी इतनी बनती। जो एक लेबर की दिहाड़ी होती कम से कम, वो हम आज लेके जा रहे हैं। पता नहीं क्यों टाइम सही नहीं चल रहा, समय सही नहीं चल रहा है। आउट सीजन आ रही आ नहीं रही है। 2 दिन काम सही रहा, कल और परसों के पेपर थे, परसों भी और कल भी, आज कुछ पेपर वगैरह था नहीं, तो आज काम फिर एकदम ठंडे बस्ते में चला गया। तो चलिए अब मिलते हैं कल वाले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम भाइयों को।